हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू दिस व्लॉग। जैसे आप देख सकते हो, दीप्ति यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी करे। ये हम लोग ने रात को ही सब प्रिपरेशन करके रख दिया ताकि हमारा टाइम बच सके, सुबह ज़्यादा घाई ना हो जाए। दिस इज एक्चुअली शी इज मेकिंग बीटरूट कटलेट, जिसमें गाजर है, बीटरूट है, बटाटा है, सोयाबीन है जिसको सोख करके ग्राइंड करके लिया है, सारा मसाला डाला है एंड छोटे छोटे पैटिस टाइप, कटलेट टाइप, और उसको रवे में कोट करके ऐसा शैलो फ्राई किया है पैन के ऊपर। एंड यमी टेस्टी बीटरूट कटलेट रेडी हो गया, जो हम लोग कब से दीप्ति के हाथ का ट्राई करना चाहते थे, तो फाइनली हो गया। इसके साथ हम लोग ने केचप तो था ऑलरेडी, चटनी बनाया था एंड वी एन्जॉयड द बीटरूट कटलेट। एक दिन रेसिपी भी शेयर करूँगी ज़रूर, आर्टिस्टिक काका। किधर से सीखा तो ड्राइंग करना? मम्मा ने सिखाया। क्या बात करे, मम्मा ने ड्राइंग करना सिखाया? ये बघा, तुम्ही शिकवलं वंटीला ड्रॉइंग करायला? काय पण बोलतोय वंटू, हां ड्रॉइंग करायला काय शिकवलं त्याच्यात? बसवायची त्याला ड्रॉइंग काढायला, त्याला यायतो पण करायचं ना। हा त्याला आवड आहे। मला पण आवड आहे। तुला काय आवड आहे? दगड दगड काढतेस तू? नाही नाही, काकाने काकाने बनाया, तूने पेंट किया है। दिखाओ क्या, रुक दिखाते सबको। ये तो सानू का वॉलपेपर जैसा हो गया, हर रोज नया नया कुछ ना कुछ आते रहता है। अब ये मिकी माउस सुशान ने ड्रॉ किया है और उसका अंदर कलर फिलिंग सानू ने किया है। देखे मस्त किया है, सुशान का ड्रॉइंग बहुत अच्छा है। तो फ्रेम्स वगैरह कहाँ ने पेंट करत, ते प्रॉपर बनवतात ना सीनेरी वगैरह असं कॅनव्हस कॅनव्हस। हाँ, इतना अच्छा तेरा टैलेंट है। टाइम म्हणजे एखादा, रोज एक नाही करायचं, कधी त्याचं ड्रॉइंग किती छान आहे। दादाचं पण छान आहे, बट यू आर मोर बेटर इन ड्रॉइंग। हा हा, टाइम लागतंय पण छान काढलं। अजून अर्धा बाकी आहे ना, मागचा साइड बाकी आहे। हा छान काढलं, तू किती मस्त काढलं। जल्दी जल्दी बताइए कैसा लग रहा है? 10/10 नहीं, 11/10, कितना सुंदर। अगर सुशांत मेरे को इस ये बनाने देता ना तो 2/10 भी नहीं मिलता। ऐसा मेरा ड्राइंग है, मेरे को तो ये लेक्चर। हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरे को ट्राई करना नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरा ड्राइंग कैसा है, बट दिस इज सो ब्यूटीफुल। कितनी छान काढलस, अभी सानू पता नहीं इसमें अभी क्या करने वाली है। हाँ घोटाला करू नको, घोटाला सब तो लेके बैठी है, स्केच पेन लेके बैठी है, वाटर कलर लेके बैठी है, पता नहीं। गुड इवनिंग एंड फाइनली आई एम रेडी। आप लोगों को पता है हम लोग कुलाबा गए थे, मैं सानू और निशु, वो जू गए थे उसके बाद कुलाबा। तो वहाँ से ना मैंने ब्यूटीफुल सा वन पीस, जीन्स वाला वन पीस लिया। एक्चुअली ये मुझे ना बहुत दूर से ऐसे दिखाई दिया था और मुझे ना बहुत टाइम से ऐसा था कि जीन्स मटेरियल का वन पीस या लॉन्ग्स ड्रेस कुछ ऐसा मिले तो मैं ज़रूर खरीदूंगी। और आप लोगों को पता है कुलाबा में ना बहुत ऐसे क्या बोलते फैंसी चीज़ें मिलते एवरेज रेंज वाले, क्वालिटी वाइज इसका क्वालिटी एकदम एवरेज है, एकदम ऐसा कोई ब्रांडेड नहीं, बट इट्स सो ब्यूटीफुल। ऐसा शर्ट टाइप है और मैंने यहाँ पे बेल्ट लगा दी क्योंकि यहाँ पे बेल्ट का ऑप्शन है और ये प्रॉपर नी लेंथ तक है। आज ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब वापस एनरिज या वापस काम पे जा रही हूँ सैलॉन में, बाल को अच्छे से सेट कर दिया है, ब्यूटीफुल। मुझे खुद को इतना अच्छा लग रहा है ना निशु, एंड निशु इज ऑल्सो सेट इन ब्यूटीफुल पिंक कलर का हुडी जीन्स के साथ। और सानू, मम्मा, दीप्ति एंड सुशांत नीचे ऑलरेडी उतर चुके, हम लोग अभी दरवाज़ा बंद करके जाने वाले, और डैडी थोड़ा काम से बाहर गए तो इसलिए डैडी इज़ नॉट कमिंग विद अस। वेर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग अदिति के नहीं, आर्या के फेयरवेल पार्टी में। एक्चुअली आर्या फ्लाई कर रही है कैनेडा उसके स्टडीज़ के लिए, तो इसके लिए गेट टुगेदर पार्टी टाइप रखा है, तो हम लोग सब अभी वहीं पे जा रहे हैं। इट्स हियर ओनली इन विरार। ये रहे निशु की, तो स्मार्ट दिख रहे एकदम पिंक कलर के, इसमें ये सुशांत के लिए जो गिफ्ट लाया था वो वाला है, तो आज फर्स्ट टाइम निशु ने पहना है। और सुशांत ने ऑरेंज कलर का पहना है, दीप्ति ने मस्त ब्लैक कलर का वन पीस पहना जैकेट के साथ, तो मम्मी ने भी आज वेस्टर्न टाइप साड़ी पहना, नॉट काट पदर वाला। मैं मम्मी से भी आप लोगों को मिलाती हूँ एंड येस आई एम ऑल सेट, डू लेट मी नो हाउ आई एम लुकिंग। निशु एक मिनट कैमरा पकड़ना, मैं एकदम माझा फुल लुक दाखवते कसं दिसतंय। हाँ ब्यूटिफुल सारा ऐसा वन पीस टाइप है, नी लेंथ में प्रॉपर एंड थोड़ा सा करेंगे। हाँ
सो इट्स अ ब्यूटिफुल वन पीस, ये देखिए ऐसा शर्ट टाइप है, एकदम कंफर्टेबल है और नी लेंथ तक है, प्रॉपर मस्त एकदम ऐसा एयर हॉस्टेस टाइप जैसा फीलिंग आ रहा है, या तो सलोन में मैनेजर काम करते ना ऐसे टाइप वाला मुझे फीलिंग आ रहा है, फीलिंग सो नाइस। एंड प्लीज आप लोग बोल रहे थे बिंदी नहीं लगा उचिता, वैसे भी डजंट लुक नाइस बट इट्स ओके, मैं कहीं जॉब वॉब पे नहीं जाती हूँ तो चलता है, अभी हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है हम लोग में नहीं चलता है बिना बिंदी से, मैंने एकदम छोटा सा देखिए सिंदूर का लगाया बट इट लुक्स नाइस, चलता है एंड मुझे अच्छा लगता है कैरी करने के लिए। जब मैं जॉब पे जाती थी तो वहां जाके निकाल देती थी क्योंकि एज अ मैनेजर नहीं चलता था, बट अभी तक ये जॉब नहीं अपनी जिंदगी है तो लगाओ खुश रहो। तो प्लीज लास्ट बहुत उसके ऊपर हो गया था कि वेस्टर्न बिंदी नहीं लगाना चाहिए उन्हें, सो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो आप वो कीजिए। सो निशु हाउ आर यू लुकिंग है ना, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, अरे यार अभी तो सच में मुझे थोड़ा सा वेट लूज करना ही पड़ेगा ऐसे सब अटायर पहनने के लिए, ये सब पहनती ना तो मुझे अलग ही खुशी होती है, मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ, जब आई वेयर वेस्टर्न कपड़ा या वेस्टर्न वन पीस मुझे कितना खुशी होता है, अंदर से ऐसा फीलिंग आता है मेरे जॉब के टाइम का। सो लेट्स गो एंड एंजॉय द इवनिंग। सो ये रही मम्मा वेस्टर्न साड़ी में, दीपा जी भी आ रहे हैं हमारे साथ, ये रही दीपा जी एंड बिट्टू इज ऑल्सो देर, हाँ हाई कर दो रह गया हो और बिट्टू ये देखो निशु को मैच हो गई है एंड दीप्ति इज इन दिस ब्यूटिफुल वन पीस रेडी एंड सुशांत इज ऑल्सो रेडी इन ब्राइट ऑरेंज कलर, एक्चुअली कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, उठून दिसते ब्लैक, हाँ ब्लैक एंड इसका, हाँ फोटो काटू या ना, और सानू को पता नहीं ये कपड़े के साथ क्या एडिक्शन हो गया उसको, कहीं पे भी यही पहनना है बस, वो जब तक छोटा नहीं होगा तब तक उसको पैसा वसूल कर देगी वो। पार्टी तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसका तो पूरा व्लॉग आना बाकी है, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा फुटेज दिखाया और कल का पार्ट टू जरूर देखना, आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय द एंटायर पार्ट टू ऑल्सो, आर्या का फेयरवेल सुपर्ब गया, देखना हम लोगों ने क्या क्या फन मस्ती किया, कैसे आर्या का फेयरवेल को एंजॉय किया, बहुत सारे सरप्राइजेज है उसमें आप लोग, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, सो बाय बाय सी यू।